अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल केके न्यूज में। 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद रणवीर से हो गया ब्रेकअप। स्टेज पर आई तो नहीं रोक पाई आंसू। बॉलीवुड में अक्सर सेलिब्रिटी अपने रिलेशनशिप की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो आगे सफल हो पाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक्टर दीपिका पादुकोण की, जो रणवीर के साथ काफी गहरे रिलेशनशिप में थी, लेकिन एक वजह के चलते उनका ये रिलेशनशिप सिर्फ 2 ही साल तक चला और उनका ब्रेकअप हो चुका है। हाल ही में दीपिका अपने फिल्म के इवेंट के लिए आई, जहां स्टेज पर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। 33 साल की दीपिका करीब 1 साल बाद फिल्म में वापस कर रही हैं और इस फिल्म उनकी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। हाल ही में वो अपनी नई फिल्म छपाक के लिए ट्रेलर लॉन्च के लिए फिल्म सिटी आई थी। जब दीपिका ने अपनी फिल्म का ट्रेलर देखा तो वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई थी और अब स्टेज पर ही आई तो आंसू नहीं रोक पाई और दीपिका बोलते ही बोलते रोने लगी कि वही अभिनेता विक्रांत मेसियर फिल्म के डायरेक्टर मेघना गुलजार ने उन्हें हौसला दिया। ये फिल्म लक्ष्मी अग्रवाल की संघर्ष और उनके जीवन पर आधारित है। फिल्म छमाक के ट्रेलर को लेकर बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। ये फिल्म अगले साल 10 जनवरी को सिनेमाघर में रिलीज हो जाएगी। रणवीर बॉलीवुड के हैंडसम हक हैं और उन पर कई अभिनेत्री दीवानी हैं। जब दीपिका ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो वो सबसे पहले रणवीर को ही डेट कर रही थी। दोनों ही काफी अच्छे दोस्त भी थे और दोनों चर्चा में बहुत ज्यादा हो गए। यहाँ तक कि ऋषि कपूर और नीतू को भी दीपिका काफी ज्यादा पसंद थी। साल 2007 में दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई और उनका ये रिलेशनशिप करीब 2 साल तक चला था, जिसके बाद रणवीर की जिंदगी में कैटरीना आ गई थी, जिसकी वजह से रणवीर और दीपिका के महज 2 ही साल में ब्रेकअप हो गया। लेकिन दोनों आज भी काफी अच्छे दोस्त हैं और साथ में एड फिल्म में भी नजर आते रहते हैं।